वेलकम टू आवर YouTube चैनल साइबर वर्ल्ड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पावर पॉइंट एप्लीकेशन के इंसर्ट टैब के लिंक ब्लॉक के बारे में। इसमें हम सीखेंगे दो ऑप्शंस के बारे में, हाइपरलिंक और एक्शन। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है हाइपरलिंक। इस ऑप्शन के हेल्प से आप अपने लिखे गए टेक्स्ट को हाइपरलिंक में चेंज कर उससे किसी भी URL, किसी भी पिक्चर, वीडियो या फोल्डर को अपने स्लाइड पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये दोनों ऑप्शन अभी हाइड है। इसके लिए हमें सबसे पहले इस स्लाइड पर कुछ टाइप करना होगा। मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। अब इसे हाइपरलिंक में चेंज करने के लिए सिंपली आपको इसे पहले सिलेक्ट कर लेना है और हाइपरलिंक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हाइपरलिंक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंसर्ट हाइपरलिंक का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। हम यहाँ पर एक पिक्चर को हाइपरलिंक में चेंज करके आपको दिखाते हैं। इसके लिए सिंपली आपको उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपको इस फोल्डर से आपका वो पिक्चर नहीं शो कर रहा है तो आप अगर दूसरे फोल्डर को देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वो सारे फोल्डर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप अपने उस पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पिक्चर को आप हाइपरलिंक में चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो ब्लू कलर में चेंज हो गया है। ये टेक्स्ट अभी यहाँ पर कुछ वर्क नहीं करेगा। इसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले स्लाइड को प्ले करना होगा। स्लाइड को प्ले करने के लिए F5 बटन प्रेस करते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं, MS PowerPoint के सारे शॉर्टकट कीज के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने MS PowerPoint के सारे शॉर्टकट कीज के बारे में बताया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस स्लाइड को प्ले कर देता हूँ। उसके लिए सिंपली आपको F5 बटन प्रेस करना है। जैसे आप F5 बटन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा स्लाइड ये प्ले हो चुका है। यहाँ पर जैसे ही माउस का कर्सर हम लाते हैं तो हमारा ये माउस का आइकन चेंज हो जाता है। और इस पर जैसे हम माउस का लेफ्ट की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक पॉपअप मैसेज आ रहा है, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू। आपको यहाँ पर यस करना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये पिक्चर ओपन हो गया है, जिस पिक्चर को हमने हाइपरलिंक से कनेक्ट किया है। इस तरह से आपने सीखा हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज करना। अगर आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट से अब हाइपरलिंक को हटा दिया जाए तो इसके लिए सिंपली आपको इसे सिलेक्ट करना है और हाइपरलिंक पर फिर से क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा रिमूव लिंक का ऑप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये टेक्स्ट के ऊपर से हाइपरलिंक रिमूव हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है एक्शन। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ स्लाइड्स को अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ स्लाइड्स को इंसर्ट कर लिया और हर स्लाइड्स में कुछ पिक्चर को इंसर्ट कर लिया। अगर आप स्लाइड्स को इंसर्ट करना और स्लाइड में किसी पिक्चर को इंसर्ट करना नहीं जानते हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस टोटल 7 स्लाइड्स को यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है एक्शन। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने पावर पॉइंट स्लाइड में एक्शन बटन को क्रिएट कर अपने प्रेजेंटेशन को काफी अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बना सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले शेप पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर सबसे नीचे एक्शन बटन शो कर रहा है। इसमें से आप अपने हिसाब से जिस भी एक्शन बटन को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस एक्शन बटन को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। जैसे आप एक्शन बटन को ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक्शन सेटिंग्स नेम से एक विंडो ओपन हो गया है। इसमें आपको सिंपली हाइपरलिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर हम आपको लास्ट स्लाइड इसे सिलेक्ट करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। अब इस एक्शन बटन की हेल्प से आप देख सकते हैं हमारे स्लाइड पर अभी इसे क्लिक करने पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस एक्शन बटन की हेल्प से आप अपने इस स्लाइड से डायरेक्टली आप लास्ट स्लाइड पर जा सकते हैं, क्योंकि हमने एक्शन सेटिंग में लास्ट स्लाइड ऑप्शन चूज किया और उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। इसलिए सिंपली आपको सबसे पहले इस स्लाइड को प्ले करना होगा। तो प्ले करने के लिए हम फिर से F5 बटन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा ये स्लाइड प्ले हो गया है। उसके बाद सिंपली आपको इंटर बटन प्रेस करना है या माउस का लेफ्ट की आपको इस स्लाइड पर प्रेस करना है। और अगर आप पहले स्लाइड पर वापस से जाना चाहते हैं तो आप एरो की के थ्रू आसानी से जा सकते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले
सारे स्लाइड पर आ चुके हैं और अब इस एक्शन की बटन का यूज करके आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली अपने लास्ट स्लाइड पर चले जाएंगे। जैसे ही इस पर माउस का लेफ्ट की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर सबसे लास्ट वाले स्लाइड पर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये सबसे लास्ट स्लाइड 7 नंबर ये है। इस तरह से आपने सीखा हाइपरलिंक और एक्शन बटन का यूज करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।